नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली छुटनी महतो को 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से छुटनी महतो को नौता मिल गया है। छुटनी इसकी तैयारी में जुट गई है। विदित रहे कि छुटनी महतो को पद्मश्री सम्मान की घोषणा इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई थी, मगर कोरोना के प्रकोप के कारण उन्हें अब तक यह पुरस्कार नहीं मिल सका है। केंद्र सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और दिवंगत गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। शिंजो आबे, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन पटनायक पद्मा भूषण पाने वाले की सूची में शामिल है। आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में यह अवार्ड दिया जाता है। कुल 141 नाम घोषित किया गया है। बीरबांस इलाके में डायन प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाती है। उनको भी लोग डायन कहकर ही कभी पुकारते थे, लेकिन डायन प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले समाज से भी प्रेमचंद ने छुटनी महतो का पुनर्वास कराया और फ्री लीगल एंड कमेटी के बैनर तले काम कराना शुरू किया और अब भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड देने का ऐलान कर दिया है। छुटनी महतो अभी 62 साल की। कैसे छुटनी महतो नाम पड़ा? कैसे पड़ा? माँ बाप लोग दिया नाम। अच्छा, क्या कहानी है, क्या कैसा संघर्ष रहा आपका, क्या आपके पीछे रहा? कहानी मेरा वही, मतलब शादी हुआ, शादी के बाद बच्चा का माँ बने, उसके बाद ससुराल वाला लोग डाइन कहा, डाइन का जितना मेरे को वो लोग सताया, उसका वजह से हम घर द्वार छोड़ दिए हैं, हम कितना मुश्किल में हम जिए हैं, वो कौन दिख रहा था? कोई नहीं दिखा। हमारा आत्मा, हम कितना तड़प तड़प के बच्चा लोग को पाले हैं, अब खुद हम जो झीले हैं। हमारा कोई कहता है तुमको वार्ड मिलेगा तो क्या करिएगा, वार्ड मिलेगा तो क्या करिएगा, हम वार्ड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना बदलाव के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा साथ जो हुआ है वो किसी का होता तो हम उनका लिए लड़ाई लड़ते हैं। यह संघर्ष का घड़ी छुटनी महतो के लिए कितना बड़ा चुनौती रहा, और जहाँ से भगाया गया वहाँ से फिर कहाँ आके बसी? हाँ, करके मेरा यही जगह मेरा जन्म स्थान है। कहाँ? बीरबांस में। अच्छा, हाँ। बीरबांस में रहे, कुछ दिन तो तकलीफ था, 2-4 साल तो बहुत तकलीफ था। कोई दिखता तो ये गांव का भी कोई दिखता तो बच्चा को छिपाता था। अच्छा। कहता है, सामने नहीं कहता है, इसका उसका मुंह में कहता था ये डाइन है, ससुराल से डाइन होके आई है, कैसे करके यहाँ रहने दिया, अगर हमारा बाप का ही संपत्ति है, मेरा बाप का संपत्ति है बोल करके कोई कुछ नहीं कर पाया, नहीं तो अगर दूसरा कोई मेरे को रहने के लिए नहीं देता। अच्छा। मेरा बाप का संपत्ति में मैं है, अब मकान बना के रह रहे हूँ, लड़ाई लड़ रहे हूँ, एक दूसरे के लिए हम मर रहे हूँ, मेरा हमको बंदे है ना बगारा है, फ्री फ्री में हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा। समाज के लिए, पीड़िता डाइन के लिए, डाइन प्रथा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।